सो जनाब, कैसी रही आपकी आपकी होने वाली बीवी के साथ मुलाकात? तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं 18 साल का हूँ और पहली दफ़ा डेट पे गया था। हाँ, तुम तो 18 साल के नहीं हो लेकिन भाभी तो हैं। ये बताओ, वो खुश थी? आई डोंट नो, शायद पहली मुलाकात थी हम दोनों की। एक्सक्यूज मी, पहली मुलाकात आप लोगों की जब हुई, जब आप दोनों कमरे में बंद हो गए थे, और दूसरी मुलाकात आप लोगों की एंगेजमेंट में। सो ये आप लोगों की तीसरी मुलाकात थी। I know, लेकिन फॉर्मली पहली मुलाकात थी। खैर, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं थी? नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं, पर आई डोंट नो। हाँ यार, हो सकता है औरत जाता है, शायद झिझक रही हो। शायद, पर बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। मैं जो कहता था हर बात मान जाती थी। मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो शादी के लिए तैयार है, पर उसकी अम्मा बड़ी गुस्से वाली है यार। उसके पेपर्स होने वाले हैं और वो कह रही हैं कि नहीं, शादी हो। भाई, जब तुम्हें वो यकीन दिला रही है कि वो तुमसे शादी करना चाह रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ मिसिंग है भाई। काफी अरसा हो गया तुम्हारी जिंदगी से कोई लड़की गए थे। आजकल की मखलूक क्या सोचती है, कैसे रिएक्ट करती है? किस्सा मुख्तसर ये है, वो राजी है और शादी करना चाहती है। सो शादी एंजॉय करो। और ये बताओ, हनीमून का क्या प्लान है? चाय पियो। आपके परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता, और ना ही पलक झपकते चीजें ठीक हो सकती हैं। तो जस्ट रिलैक्स। हालत देखिए तुमने उसकी, क्या अपनी हालत बना रखी है उसने? एक मजनून लगता है। हुलिया देखो उसका, काशिक की तरह। मुझे अपना बेटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सर आएगा, सर से इश्क का भूत तो उतरने दें। आप मत परेशान हो, आजकल हर घर की यही कहानी है। इसी तरह लड़कों को राय रास्ते पे ला रहे। कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे लालची घर से लड़की लाके अपनी नस्लें तबाह करें। बस अब आप सो जाएं, प्लीज। मुझे नींद नहीं आती। कोशिश करता हूं तो हमजा की आंखें मुझे शिकवा करती हुई नजर आती। लगता है हमने उसका दिल नहीं तोड़ा बल्कि उसी को तोड़ डाला है। अजीब सा होकर रह गया। डर लगता है अगर बिखर गया तो उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। ना करे। मगर ये सब फिक्रें तो माओं के करने की होती हैं, और तुम प्लीज आराम करें, सो जाएं।